Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the OnePlus Nord 3 versus the OnePlus 11R speed test. ये दोनों जो recently हमने इसका camera comparison test भी किया था और वो हम यहाँ पे cards पे डाल देंगे और उसमें काफी सारे लोग ने आपने बोला कि इसका speed test भी करना है. So that's why we decided that we should do a speed test as well. Now of course ये दोनों जो phones हैं ये काफी similar हैं but प्राइस पॉइंट में इनके काफी फर्क है. फॉर एग्जाम्पल द नॉट 3 स्टार्ट 34,000 whereas the 11R starts at about 40,000. तो ये प्राइस डिफरेंस में क्या इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस में भी फर्क है. इन दिस वीडियो वी विल टेस्ट दैट आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर वी स्टार्ट द स्पीड टेस्ट प्लीज मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Now, जैसा मैंने पहले बोला कि दे बोथ आर वेरी सिमिलर. नाउ व्हाई आर दे सिमिलर? द रीजन इज बिकॉज इसका जो रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले है, कैमरा सेटअप है, बैटरी कैपेसिटी है, ये दोनों फोन्स के बीच में आइडेंटिकल है. बट सबसे बड़ा फर्क दोनों के बीच में ये है कि दे बोथ कम विद डिफरेंट प्रोसेसर. ये जो नॉट 3 है ये आता है विद मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 जो 2021 में लॉन्च हुआ था, वेयरएज ये जो OnePlus 11R है ये आता है विद स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 जो 2022 में लॉन्च हुआ था. ऑन पेपर definitely the 11R seems to be faster. So let's check the speed test. So let's look at the benchmarking tests first. Geekbench score for a CPU test for the 11R is for the single core 1386 whereas multi-core ka score hai uska 3550. On the other hand Nord 3 ka single core was 1112 and multi-core was 3420. Agar GPU test ke bare mein hum log baat kare so then 11R came up with a number of 5905 whereas Nord was 5788. Next up is the AnTuTu benchmarking test and isme bhi 11R was ahead with an overall score of 689,798 whereas Nord came up with a score of 660,500. Dono ki speeds check karne ke liye as usual hum timer on kar denge and of course we've taken a variety of apps which really push the performance of both the processors. Let's start the timer. एंड सबसे पहले ऑफकोर्स इंटरनेट स्पीड टेस्ट करेंगे यूजिंग द ऐप टू चेक द स्पीड्स दैट द फोन्स कैन डिलीवर. ये दोनों फोन्स हैं दे आर ऑफ द ब्लॉक्स रियली फास्ट एंड 11R जो है दैट्स गिविंग अ फास्टर डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स एज कंपेयर्ड टू द नॉट 3. नाउ वी मूव ऑन टू द सोशल एप्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड 11R जो ऑलरेडी पहले आगे था इट स्टार्ट्स टू मूव अहेड स्लाइटली मोर. It makes pretty light meal of these apps and Nord 3 jo hai that is also looking to catch up. Following all of these apps hum aate hain Netflix Prime Video pe and we also move on to the browsing, reading and aggregator apps like Chrome, Play Store, Kindle and Amazon. Ye kafi light apps hai and usually har ek phone isme pretty fast move karta hai. In the next line we start with the more intensive heavy apps like YouTube Maps जो कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करते हैं एंड ऑल्सो ये थोड़ा सा लोड भी डालते हैं प्रोसेसर्स पे सिंस दे नीड लाइव लोकेशन. 11R जो है इट्स स्टिल पंचिंग अहेड एज वी मूव ऑन टू द गेम्स व्हाइल द नॉट 3 इज ऑन द सेकंड लाइन ऑफ द ऐप. वी विल नाउ ओपन आवर फर्स्ट गेम जो है रियल क्रिकेट जो एक काफी हैवी गेम है. ये 11R जो है ये अभी भी आगे है एंड नॉट 3 भी काफी कैचअप कर रहा है. जब तक फीफा खुलेगा दैट बाय दैट टाइम 11R हैज ऑलरेडी मूव्ड अहेड एंड नॉट 3 इज ऑल्सो कैचिंग अप इन द गेम. तीन बैक टू बैक गेम्स है दैट रियली पुशेस दीज प्रोसेसर्स टू सी हाउ दे आर थ्रॉटलिंग द एप्स. एंड अभी गेम्स खत्म होने के बाद नाउ वी विल फर्स्ट एक्सपोर्ट आर 1 मिनट 4K वीडियो यूजिंग द VN एडिटर एंड द 11R इज ऑलरेडी ऑन द टास्क एंड मूविंग प्रीटी फास्ट व्हाइल द नॉट 3 इज ऑन द लास्ट गेम. 11R owing to its lead has exported the video earlier and as you can see it plays pretty well as well. Nord 3 isn't far behind and has also started the export process. Ye video Nord 3 mein bhi kafi achhi tarah chalta hai. Ab ye first series of tests jo hai khatam kiye hai wo 11R ne faster khatam kiye hai with a time of 2 minutes and 34 seconds for the lap 1 while Nord 3 ne ye same test jo hai wo 3 minutes 9 seconds mein khatam kiye hai which is about 33 seconds behind. Now we start the second leg which is multitasking to see whether it's happening in the truest sense on both phones and whether the apps are really open already in the background. Ye 11R is already ahead and works up the speed test really easily. The speeds on both the phones are still similar although 11R mein thoda sa drop hua hai as compared to the first lap. Nord 3 jo hai that is still pretty fast and apps like Twitter, Netflix, Amazon are really open in the background on both phones and they really run through it very fast. While the Nord 3 is doing the speed test, the 11R has already reached the games and starts to work on them which is substantially using the lead it already had.
ऑन द अदर हैंड नॉर्ड 3 जो है दैट इज कैचिंग अप वेरी फास्ट एंड द डायमेंसिटी 9000 चिप इज रियली फ्लाइंग नाउ. ऑल द एप्स आर ऑलरेडी ओपन इन द बैकग्राउंड इन द नॉर्ड 3 एज वेल एंड इट इज एबल टू कंप्लीट द टास्क इंक्लूडिंग प्लेइंग द एडिटेड वीडियो एज वेल. ऑल्दो OnePlus कम्स इन विद अ फाइनल time of 3 minutes and 58 seconds which is much faster than the other one, the Nord 3 has been able to catch up in the second leg with a better multitasking performance to reduce the gap slightly from 33 seconds jo pehle first leg mein tha to about 30 seconds with a final time of 4 minutes and 22 seconds. So let's just quickly talk about the look, body and feel of both these phones. To ye Nord 3 jo hai iska design thoda sa separate hai as compared to the 11R. For example, 11R hai that has a little bit of curved screen and it surely feels a little bit more premium, whereas ye Nord 3 jo hai that's a little bit of a boxy design. I quite like it, iska grip kafi acha hai, it's a very iPhone like type of feel because that's the sort of look or at least the feel that I feel that they've gone for. Now if we talk about the battery and the display, ye dono ki identical battery hai, 5000 mAh ki battery hai, battery also works really well, it has pretty good battery life. And in terms of display as well, dono ka actually 6.74 ka AMOLED display hai, exactly same resolution, 120Hz ka refresh rate hai. So overall in that respect, I think it's pretty good. Brightness wise also 1450Hz ka peak brightness hai. Which of these phones is faster? आपने देखा इसका स्पीड टेस्ट दोनों का ऑफ कोर्स एंड आल्सो द बेंचमार्किंग टेस्ट एंड 11R जो है विद इट्स स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर इज डेफिनेटली मच फास्टर बट ऑफ कोर्स फॉर द प्राइस द नॉट 3 इज डेफिनेटली नो स्लाउच इट्स अ प्रीटी गुड फोन एंड ऑनेस्टली अगर आपका बजट इशू है वेर यू रियली आर वर्किंग ऑन दैट टाइट बजट देन अ नॉट 3 इज अ प्रीटी डिसेंट फोन बट इफ दैट्स नॉट द इशू एंड आप थोड़े से फ्यू थाउजेंड एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं then 11R overall is a much better phone even with a better camera performance as well and of course speed test aapne dekh liya hoga so I would definitely recommend between these two this one as the faster phone. So if you like this video then make sure you like, share and subscribe to our channel. Hame comment mein bataiye aapko kaisa laga ye video and until next time happy viewing.